हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स से ज़िंदगी पर। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर यूँ कहें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सभी डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक जो है वो NCERT के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर तक डिस्कस किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर यूँ कहें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्या, वह है धारावाही परिनालिका तथा छड़ चुंबक के मध्य समानताएँ एवं असमानताएँ बताइए। आपको इसमें जो है सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज बताना है, किसके किसके बीच में, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में और बार मैग्नेट के बीच में। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जिसे हम हिंदी में छड़ चुंबक कहते हैं, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक जो नेचुरल मैग्नेट होता है या फिर हम कहें जो बार मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को बताना है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वह है आपका चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर को परिभाषित करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेफिनेशन जो है वो बार बार पूछा जाता है। डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों का डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, ये है पृथ्वी के चुंबकत्व के सभी अवयवों की सचित्र व्याख्या करें। यानी कि पृथ्वी के चुंबकत्व के जितने भी अवयव हैं, टोटल 3 तरीके के अवयव होते हैं, कौन कौन सा, दिक्पात कोण, नमन या नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इन तीनों का सचित्र व्याख्या करना, यानी चित्र सहित इन तीनों के बारे में बताना। और ये भी किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑल कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ डायग्राम, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिफ या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो है इस चैप्टर से जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। जैसे आपके सामने यहाँ डेफिनेशन का जो लिस्ट है ये है, निम्न को परिभाषित करें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन सा, तो चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है। चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है। फिर है चुंबकीय तीव्रता, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चुंबकन तीव्रता है और जबकि यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता है, तो दोनों में अंतर है। यह है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका डेफिनेशन आपको देखना है। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है वो आपको पढ़ना है। फिर चुंबकीय सुग्राहिता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और सापेक्ष चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सभी हेडिंग्स आपको इसमें डिस्कस करने हैं। ये चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर यानी चुंबकत्व एवं द्रव, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे, यानी कि इस चैप्टर से जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बनने का मतलब 1 मार्क्स के हो गए, 2 मार्क्स के हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो है, साबित करें μr इज इक्वल टू 1 प्लस काई m, ये आपको साबित करना है, प्रूफ करना है। और दूसरा जो प्रूफ है वो है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई m, इन दोनों का डेरिवेशन आपको कराया गया होगा तो आप उसे देख लीजिएगा। फिर है चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें, एक्सप्लेन एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। उसके बाद ई बाई एच का मात्रक बताइए, यूनिट ऑफ ई बाई एच जो कि ओम होता है, इसका आंसर है। ये आपको MCQ में या फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो रिटर्न में रहते हैं उसमें ये मिलता है, ज़्यादातर MCQ में आता है कि ई बाई एच का मात्रक बताइए, तो ये याद रखिएगा ई बाई एच का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद इस 8 नंबर क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति एवं नमन कोण का मान बताइए, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स पे आपको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का वैल्यू बताना है, नमन एवं नति कोण का मान बताना है। ये भी जो है आपका MCQ का ही क्वेश्चन है, नहीं तो 1 मार्क्स का जो आता है, ज़्यादातर ये MCQ में ही पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है MCQ के हैं, तो इनका आंसर आप सीधे याद रखिएगा, बाकी इसमें जितने भी हैं टर्म्स उनको आपको डिफाइन करना है। तो ये चैप्टर जो है छोटा है और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत कम हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।